आप सभी को राधे राधे। तो आज आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा बहुत ही सुंदर बिहारी जी का प्रसंग। बात बहुत समय पहले की है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज पुजारी जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वे रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते और उन्हें शयन कराते और रोज चार लड्डू भगवान जी के बिस्तर के पास रख देते थे। उनका यह भाव था कि बिहारी जी को रात को यदि भूख लगेगी तो वे उठकर खा लेंगे और सुबह वे जब मंदिर के कपाट खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा हुआ मिलता था। इसी भाव से वे रोज ऐसा ही किया करते थे। एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद वे चार लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद किए और चले गए। रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से वे बूंदी के लड्डू लाते थे उन बाबा की दुकान खुली थी। वे घर को जाने ही वाले थे तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। बाबा ने कहा, लाला लड्डू तो सारे ख़त्म हो गए हैं, मैं तो अब दुकान बंद करके जा रहा हूँ। वह बालक बोला, आप अंदर जाकर देखो तो सही, आपके पास चार लड्डू रखे होंगे। उसके हट करने के बाद बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें चार लड्डू मिल गए, क्योंकि वे आज मंदिर नहीं गए थे। बाबा ने कहा, पैसे दो। बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। और तुरंत उसने अपने हाथ से सोने का कंगन उतारा और बाबा को देने लगा। तो बाबा ने कहा, लाला पैसे नहीं हैं तो रहने दे, कल अपने बाबा से कह देना, मैं उनसे ले लूँगा। पर वह बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फेंक कर भाग गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। यदि चोर भी चुराता तो केवल कंगन ही क्यों चुराता। थोड़ी देर में बात सारे मंदिर में फैल गई। जब उस दुकान वाले को यह बात पता चली तो उसे रात की बात याद आ गई। उसने अपनी दुकान में कंगन ढूंढा और पुजारी जी को दिखाया और सारी बात सुनाई। तब पुजारी जी को याद आया कि हाँ, मैं रात में लड्डू रखना भूल गया था, इसीलिए बिहारी जी स्वयं आपकी दुकान पर लड्डू लेने गए। यदि भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल जाता है तो भगवान अपनी तरफ से उसे पूरा कर देते हैं। यही है आज का प्रसंग। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी को राधे राधे।